हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माँ कामाख्या के दर्शन के बाद अब हम गुवाहाटी से जा रहे हैं शिलोंग। शिलोंग तक पहुँचने के लिए 3.5 घंटे का टाइम मिलेगा। शिलोंग में एंट्री करने से पहले यहाँ पर डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। ये हम पहुँच गए शिलोंग, अभी शाम के 6:30 बजे हैं। ये है शिलोंग का पुलिस बाजार, जो कि शिलोंग का मेन सेंटर पॉइंट है। आज रात को हम यही होटल पर ठहरेंगे और कल सुबह हम निकलेंगे शिलोंग एक्सप्लोर करने। और अभी बजे हैं 9:15 और हम जा रहे हैं देखने के लिए द क्लीनेस्ट रिवर डाउकी। और ये है आदि गधा। ये हम पहुंच गए द्वाकी, बट हम इससे आगे जा नहीं सकते बारिश के वजह से, और पानी भी बिल्कुल अभी पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। मानसून में बारिश के वजह से पानी गंदा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम अभी यहीं से जा रहे हैं वापस, और अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए एशियाज क्लीनेस्ट विलेज मॉर्निंगलॉन्ग। ये रास्ते में ही हमको एक बड़ा वाटरफॉल मिला, ये है बॉक्स हिल। मानसून में आने का एक बेनिफिट तो है, आपको हर जगह इधर उधर वाटरफॉल गिरते हुए दिखेंगे। ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर, दूसरी तरफ बांग्लादेश। विलेज में जाने से पहले हम लिविंग रूट ब्रिज देखते हुए जाएंगे। यहाँ के लोकल लोग साफ सफाई का काफी ध्यान रखते हैं। यहाँ शॉप्स भी लगी हुई है, और यहाँ जो ये लोकल हैंडमेड बैग्स हैं, और काफी सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं। सो यहाँ से अगर किसी को कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हैं। यहाँ खाने पीने की चीजें भी हैं, जूस है, स्नैक्स है। ये हम पहुंच गए लिविंग रूट ब्रिज। अभी हम रोड ब्रिज देख के जा रहे हैं मॉर्निंगलॉन्ग विलेज देखें। ये हम पहुंच गए हैं विलेज, बट विलेज में एंट्री करने से पहले हम कुछ खाना खा लेंगे। क्या क्या खाना है? ये आ गया हमारा खाना। खाना खाने के बाद अब हम करेंगे एंट्री विलेज में। यहाँ से एंट्री स्टार्ट है। बहुत सुंदर है, एकदम नीट एंड क्लीन। फ्लावर है मम्मा ये, पता नहीं, ये इसको हम पहले बिच्छू फ्लावर बोलते थे बचपन में। बिच्छू फ्लावर, बिच्छू का। छाता और रेनकोट हमेशा साथ रखना, यहाँ बारिश कभी भी शुरू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।